देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में इंटीग्रल निकालना है ई टू द पावर ए एक्स और बाई में इंटू में कह रहा है इंटू में ए इंटू में फंक्शन एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स और इंटू में एक ऑन्सेंट है तो बाहर कर लेते हैं फंक्शन है एफ एक्स ठीक है फिर प्लस में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इसको आईलेट वाले मेथड पे बनाते हैं यूनिटिवी पे इस दूसरे वाले को ऐसे ही रखते हैं पहले वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो ए कॉन्स्टेंट है चूंकि एक्सपोनेंट है तो आईलेट वाले में एक्सपोनेंट सबसे लास्ट में आता है तो एफ कोई फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन हो सकता है तो ये आपका यू हो जाएगा ये वी हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल देखे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स और फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स और फिर बाहर डी एक्स है ना चलिए और फिर यहाँ पर यह आपका प्लस में इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स ठीक है चलिए यहाँ पे देखते हैं ए इंटू में एफ एक्स अच्छा ई टू द पावर अगर ए एक्स की बात करें तो पहले उसका लिख लेते हैं इसका क्या होगा ई टू द पावर ए एक्स और बाई में A, ए यही ना होगा इंटीग्रल और इनटू में आपका एफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा और इनटू ई टू द पावर ए एक्स का क्या होगा ई टू दू द पावर ए एक्स और बटा में ए यही ना इंटीग्रल होगा डी एक्स प्लस में ई टू द पावर ए एक्स इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से दोनों में तो से के ए से मल्टीप्लाई कर जाएगा, जाएगा e x x ए कट जाएगा बच जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स माइनस ए से ए यहाँ भी कॉन्सटेंट हट जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और प्लस में इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और प्लस में कॉन्सटेंट सी ये दोनों कट जाएंगे ना प्लस माइनस में यानी कि फाइनली जो आपका इंटीग्रल होगा वह क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस में सी यही आपका आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट